रहे हैं आईबीएन भारत और मैं हूं आपके साथ स्निग्धा अवस्थी। आइए रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकियों में लश्करे तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी शामिल थे। इस मुठभेड़ के बाद अनंतनाग और कुलगाम में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। मध्य प्रदेश में राज्यपाल लालजी टंडन ने आधी रात को पत्र भेजकर मुख्यमंत्री कमलनाथ को बहुमत साबित करने का निर्देश दिया है। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के तुरंत बाद ही विधानसभा में विश्वास मत पर वोटिंग की जाएगी। बीजेपी नेता और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल लालजी टंडन को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जुलूस, प्रदर्शन, हड़ताल और बंद के दौरान सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले से सरकार वसूली करेगी। वहीं इस मामले में कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकेगी। बसपा के पूर्व राज्यसभा सांसद बलिहारी बाबू, बसपा के पूर्व एमएलसी तिलक अहिरवार, अनिल अहिरवार और बीजेपी से पूर्व विधायक इंद्रपाल ने सपा का दामन थाम लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक गायिका तीजन बाई से मुलाकात की। ये मुलाकात सीएम ने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर की। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में बने एसआरएस मॉल पर कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने मॉल को सीज कर दिया। ये कार्रवाई 49 लाख का टैक्स न चुकाने पर की गई है। लखनऊ में विवादित बैनर पोस्टर लगाने पर कांग्रेस कार्यकर्ता सुधांशु वाजपेयी और लालू कनौजिया पर हजरतगंज और हसनगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं प्रिंटिंग प्रेस मालिक समेत अन्य पर भी एफआईआर की गई है। उन्नाव के बिहार इलाके में मासूम के साथ हुए दुष्कर्म मामले में पुलिस संदिग्धों का पुलिस डीएनए टेस्ट करवाएगी, जिसके लिए 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है। प्लास्टिक का उपयोग बंद करने के चलते रोडवेज के एसी बसों में सफर करने वाले यात्रियों को अब पानी खरीद कर पीना पड़ेगा। रोडवेज की वॉल्वो एसी शताब्दी, जनरल, पिंक बस और स्लीपर बसों में आज रात से मुफ्त पानी मिलना बंद हो जाएगा। कोरोना का कहर लगातार जारी है। सरकार ने कोरोना पर बुलेटिन जारी करके बताया कि यूपी में अब तक 12 लोगों में कोरोना की पुष्टि की गई है। वहीं अब तक कुल 598 टेस्ट निगेटिव पाए गए हैं, साथ ही 107 सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। एयरपोर्ट पर अब तक 19,473 लोगों की स्कैनिंग की जा चुकी है, साथ ही नेपाल बॉर्डर पर 12 लाख से ज्यादा लोगों की स्कैनिंग की जा चुकी है। वहीं यूपी में कुल 14 कोरोना के संदिग्ध भर्ती हैं। आगरा में 7, गाजियाबाद में 2 और लखनऊ में 2 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। भारत में कोरोना वायरस के अब तक 93 मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली, उड़ीसा, मणिपुर, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेज को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। ईरान में फंसे 234 भारतीयों को वापस देश ले आया गया है। लाए गए बैच में 131 छात्र और 103 तीर्थयात्री शामिल हैं। ईरान से वापस आए ये भारतीयों का तीसरा बैच है। इससे पहले 44 भारतीयों को ईरान से सकुशल वापस भारत लाया गया था। इंग्लैंड में एक नवजात बच्चे में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया। ये सबसे कम उम्र के बच्चे में कोरोना वायरस के संक्रमण का पहला मामला है। माँ और बच्चे को अलग अलग जगह रखकर इलाज किया जा रहा है। कोची हवाई अड्डे पर दुबई जाने वाले एक विमान में सवार 289 यात्रियों को उड़ान भरने से कुछ देर पहले उतार लिया गया। यात्रियों में से एक ब्रिटिश नागरिक के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद ये कदम उठाया गया। स्पेन के प्रधानमंत्री की पत्नी भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गई है। उनकी पत्नी बेगुना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्पेन में अभी तक इस वायरस के कारण 183 लोगों की मौत हो चुकी है और पूरे देश में आपातकाल लगाया जा चुका है। दुनिया भर में कहर बरपा रहे कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सार्क देशों से चर्चा करेंगे। कॉन्फ्रेंस के जरिए कोरोना वायरस की चुनौतियों से निपटने के लिए रोड मैप बनाने पर भी चर्चा की जाएगी। लखनऊ प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कोरोना वायरस की रोकथाम में सहयोग न करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत 6 माह तक की कैद या फिर 1,000 जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। लखनऊ में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शहर के जोन 4 में दवा का छिड़काव किया गया। इस दौरान टीम के साथ नगर आयुक्त डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी, जोन 4 के अधिकारी राजेश सिंह भी मौजूद रहे। सोने की कीमत में 1,097 रुपए की गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने का दाम 42,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। दरअसल डॉलर के मुकाबले रुपए में आई तेजी से सोने की कीमतें कम हुई है। एक्ट्रेस आलिया भट्ट आज अपना 27वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। जन्मदिन के मौके पर आलिया का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आलिया अपना बर्थडे केक काटती नजर आ रही हैं।
कोरोना वायरस के फैलते आतंक के चलते 24 मार्च को रिलीज होने वाली अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी की रिलीज को मेकर्स ने आगे बढ़ा दिया है। वहीं रणवीर सिंह की फिल्म तिरासी की रिलीज डेट भी आगे बढ़ा दी गई है। और फिलहाल के लिए सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। देखते रहिए आईबीएन भारत। नमस्कार।